लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी बेटी की शादी कब होगी ये तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए आपकी बीवी के पेट पर कोई काला तिल है? तिल है, पक्का है, बाकायदा है, 101% है। कमाल है, आपकी बीवी के पेट पर तिल है या नहीं है ये आप नहीं बता रहे हैं और ये बता रहा है कि तिल है। अरे भाई ये तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। ये तुम्हारी बीवी के बारे में बोल रहा है। 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 तुम्हें सच सच बता दो कि किसकी बीवी के बारे में बोल रहे हो। मैं बताऊंगा, आज से कुछ दिनों पहले की बात है। मैं साड़ियां बेचता था, साड़ियां बेचने के लिए मैं किसी के घर पर चला गया। ऐसा ही एक आदमी था, मैंने उससे कहा साड़ियां खरीद ले। उसने कहा मेरी बीवी के पास जाइए। मैं उनकी बीवी के पास चला गया। जैसे दरवाजा खोला उनकी बीवी साड़ी पहन रही थी। मैंने सब कुछ देख लिया। हराम जैसे, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को बताना मत। क्या मैंने बता दिया? अब तक तुम जान चुकी होगी कि हम लोग बहुत बुरे हैं, शरीफ बदमाश हैं। हमने तुम्हें हॉस्पिटल से किडनैप किया और कोई कुछ नहीं कर सका। वैसे भी शहर में हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जो कुछ हम तुमसे कहते जाएं वो चुपचाप करती रहो और हम क्या कह रहे हैं वो गौर से सुनो। किसी भी दिन तुमसे मिलने एक वकील आएगा, ये समझकर कि तुम मेरी बीवी हो। वो तुमसे तरह तरह के सवालात करेगा और तुम्हारा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, वो जैसे कहता है वैसे ही करो। समझे? मैं जानता हूं कि कुछ औरतें बहुत जिद्दी होती हैं और समझदारी की बातें उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पहले तुम मरोगी और बाद में तुम्हारे बेटे को मारना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर वो खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी की खातिर कुछ दिनों के लिए मेरी पति व्रता अर्धांगिनी बनकर रहो। एक ज्योतिषी ने मेरे बेटे की जन्म कुंडली देखकर कहा था कि उसके भाग्य में किसी पापी के वध का योग है। कहीं वो पापी तुम ही तो नहीं? मुख्तार, इस बुढ़िया को ले जाकर बंद कर दो। देखते हैं हमारी बात मानने में ये कितने दिन लगाती है। ये ठीक रहेगा। पति की जान की दुश्मन मेरी बीवी को मेरे पाँव ही नहीं मिलेंगे। अब मैं आराम से सो सकूंगा। ओम स्वामी नारायण। यहाँ भी पहुँच गई। अरे मैंने अपने पाँव डाल के साथ इसलिए बातें थे कि तू यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन इस औरत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा हुआ आपने खुद ही पैर बांध लिए, नहीं तो मैं ही आपके पैर बांधने वाली थी ताकि मैं आराम से पूजा का व्रत कर सकती हूँ। अभी आप आराम से सो जाइए जी। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि पिछले 3 दिनों से इस घर में न खाना पका है न किसी ने खाया है। तुम्हारे उपवास करने से यह साबित नहीं होगा कि तुम्हारे दिल में मां के लिए हमसे ज्यादा दुख है। यह गम की घड़ी तो 2 दिनों की है, फिर मां को हम अपने पास ही रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खा लो।
हमने किडनैपिंग केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, तुम उन्हें पहचान सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, अगर उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता तो मेरी माँ क्यों किसी की माँ किडनैप नहीं होने देता। हाँ, मेरा गणेश उनकी पहचान करा सकता है। वो हाथी? जी। हाथी की गवाही को कानून नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कुत्तों की गवाही को कानून मानेगा और हाथी की गवाही को क्यों नहीं मानेगा? चलो देखते हैं। दोस्त, इनको देखो, इनके चेहरों पर इनका पेशा लिखा हुआ है। अगर इनमें से किसी ने भी मेरी मां को किडनैप किया है तो इनकी सजा के लिए मैं अदालत का इंतजार नहीं करूंगा। जाओ। सर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। क्या हुआ दोस्त? क्या ये वही गाड़ी है जिसमें मेरी मां किडनैप हुई थी? ए, ये गाड़ी किसकी है? साहब, इस गाड़ी का मालिक यहां नहीं है। चाहे तो मैं उनका एड्रेस दे सकता हूं। तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ इसमें नहीं है। ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है छोटे? कोई हमारे घर में आए, हमारे आदमी को मारकर वापस चला जाए? जिंदा तो वापस नहीं लौट सकता छोटे। मगर कैप्टन हमारे घर में आया, हमारे आदमी को मारा और आराम से चला गया। यह नामुमकिन है छोटे। लोग हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं। जाओ, जाकर सर्कस वाले को पकड़ कर यहां ले आओ।
हम अपने घर के सामने उसकी कब्र बनाएंगे। क्या किया मंदिर में खून, यह तरासली रूप। हम लोग भूखे रहकर एक कातिल की परवरिश की है, एक हत्यारा दोस्त बनकर हमारे साथ रहा। आज के बाद तू हमारे सामने मत आना, तू इंसानों के साथ रहने के लायक नहीं है। बस
क्यों आया? तू कातिल है, कातिल को इस घर में कोई जगह नहीं है, चला जा यहाँ से। क्यों आया तू? क्या